तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र। दर्शकों, छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसी चर्चा को मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साऊणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जिनके न न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयन में कछु सयन एकासन करण। इन मूल गुणों की चर्चा हम कर रहे थे। हमने कहा था कि मुनिराज किसी प्रकार का परिग्रह अपने पास में नहीं रखते, अर्थात वस्त्र मात्र भी मुनिराज के नहीं होता। यदि मुनिराज वस्त्र रखेंगे तो वस्त्र को धोना भी पड़ेगा, उस वस्त्र को संभाल के रखना पड़ेगा, और वस्त्र को धोने में संभालने में मुनिराज का ध्यान ज्ञान ध्यान से छूटकर वस्त्र में लग जाएगा। यही कारण है कि मुनिराज किसी प्रकार का वस्त्र आदि का परिग्रह अपने पास नहीं रखते। वास्तव में नग्नता ये मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। बालक जब उत्पन्न होता है तब वह नग्न रूप में ही उत्पन्न होता है। हम अपने विकारों को छिपाने के लिए वस्त्र आदि का उपयोग करते हैं। मुनिराज चूंकि अविकारी होते हैं इसलिए उन्हें किसी प्रकार से वस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं होती, और वस्त्र एक सबसे बड़ा परिग्रह है। वस्त्र यदि धारण करेंगे तो वस्त्र के निमित्त से उसमें जीवोत्पत्ति भी होगी, और जो जीवोत्पत्ति होगी उस जीव हिंसा का दोष भी मुनिराज को लगे बिना रहेगा नहीं। यही कारण है कि आचेलक्य वो जैन मुनिराज का एक महत्वपूर्ण मूल गुण माना गया है। इसके अलावा और मूल गुण है मुनिराज के, भू माँ ही पिछली रैन में कछु सयन एकासन करण, अर्थात भू पर अर्थात जमीन पर पिछली रैन में अर्थात रात के अंतिम प्रहर को छोड़कर उसके अलावा बाकी के प्रहरों में रात्रि के प्रथम और रात्रि के अंतिम प्रहर को छोड़कर अन्य किसी भी प्रहर में कछु सयन अर्थात कुछ सोना, और वह भी ऐसा सोना कि सुखपूर्वक नहीं हो, अर्थात लकड़ी का काष्ठ का लकड़ी का पत्थर का अथवा अत्यंत अल्प तृणों का सांथरा हो संस्तर हो जिसपे मुनिराज शयन करते हैं, लेकिन वह शयन भी सुखपूर्वक निद्रा वाला नहीं होता। और कछु सयन अर्थात कुछ शयन करते हैं, क्योंकि मुनिराज शारीरिक सुख को जीतते हैं, आलस्य को प्रमाद को जीतते हैं। यही कारण है कि मुनिराज अत्यंत अल्प मात्रा में निद्रा लेते हैं और अपने ज्ञान ध्यान को सतत जागृत बनाए रखते हैं। तो भू माँ ही पिछली रहने में अर्थात भू के अंतिम प्रहर में जो धनुष के आकार से अर्थात अपने शरीर के प्रमाण जो संस्तर होता है उससे भी कम स्थान पर उससे भी कम मात्रा में किसी प्रकार से अपने शरीर को संकुचित करते हुए जो एक करवट से निद्रा ली जाती है उसका नाम है एक शयन आसन, एक शयनासन मूल गुण। मुनिराज अधोमुख अर्थात ऊपर की ओर मुख करके निद्रा नहीं लेते,
और अधोमुख अर्थात नीचे की ओर मुख करके भी निद्रा नहीं लेते। ऊर्ध्वमुख और अधोमुख दोनों प्रकार से मुनिराज नहीं सोते, ना ऊपर की ओर मुख करके सोते ना नीचे की ओर मुख करके। मुनिराज एक करवट से अर्थात एक तरफ की ओर मुख करके और सोते हैं, और सोते समय वे करवट नहीं बदलते, क्योंकि करवट बदलने में किसी जीव हिंसा की संभावना है। यही कारण है कि मुनिराज एक ही आसन से, एक ही करवट से, अत्यंत अल्प छोटे से संस्तर में, जो कि प्रासुक होता है, किसी प्रकार का आराम दे नहीं होता, उसमें भी अत्यंत अल्प मात्रा में निद्रा लेते हैं। ये मुनिराज का अल्प शयनासन नाम का एक मूलगुण कहा गया है। इसके अलावा और क्या मुनिराज के मूलगुण हैं, आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कच लोच करत न टरत परिश सो लगे निज ध्यान में अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुति करण अर घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। भावार्थ। वे मुनि दिन में एक ही बार अपने हाथ की अंजलि में खड़े खड़े थोड़ा सा आहार लेते हैं। वे अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़कर अलग करते हैं, यह उनके साथ शेष गुण है। इस तरह से मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। वे परिशह सहन करने में डरते नहीं हैं और अपने आत्मध्यान में लीन रहते हैं। वे शत्रु और मित्र, महल और शमशान, स्वर्ण और कांच, निंदा और प्रशंसा, पूजा करने या तलवार से मारने में सदा समता रखते हैं, अर्थात शांत रहा करते हैं। एक बार दिन में ले आहार, मुनिराज दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। यह मुनिराज की एक भक्त नाम का मूलगुण है, अर्थात मुनिराज प्रातःकाल सूर्योदय होने की 3 घड़ी को छोड़कर और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले जो समय है उसको छोड़कर, अर्थात सूर्योदय होने के 3 घड़ी तक वे भोजन नहीं लेते और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक वे भोजन को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार इसके बीच का जो काल है, सूर्योदय के 3 घड़ी बाद का और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले के बीच का जो काल है, उस काल के दौरान मुनिराज या तो एक मुहूर्त में जघन्य पने 3 मुहूर्त में, उत्कृष्ट पने 1 मुहूर्त में और मध्यम पने 2 मुहूर्त के अंदर जो भोजन करते हैं, उसी का नाम है एक भक्त मूलगुण। मुनिराज एक ही स्थान पर खड़े होकर एक ही बार आहार जल सब ग्रहण करते हैं। मुनिराज गृहस्थों की तरह बार बार आहार नहीं करते, वे बार बार जल नहीं लेते। मुनिराज एक ही बार दिन भर में जो भी आहार पानी होता है उसे एक ही स्थान पर ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ तक कि गर्मी के दिनों में भले ही मुनिराज का कंठ भी सूख रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मुनिराज जल नहीं लेते। मुनिराज को यदि आहार नहीं भी मिला हो तो भी मुनिराज उस अलाप में समता भाव धारण करते हैं और किसी प्रकार की दीनता अपने अंतरंग में नहीं लाते। एक ही बार मुनिराज आहार करते हैं और उस एक बार आहार करने में वे अपनी जीवनचर्या को चला लेते हैं। वास्तव में मुनिराज केवल आहार अपने शरीर को चलाने के लिए करते हैं और इसलिए एक बार का भोजन उनके लिए पर्याप्त होता है। और कौन कौन से मुनिराज के मूल गुण हैं, इसकी चर्चा हम एक अल्प विराम की बात करेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है, उसमें हमने दिन में एक बार आहार की चर्चा करी। एक बार दिन में ले आहार। अगला मूलगुण है खड़े अलप, अर्थात मुनिराज खड़े खड़े भोजन करते हैं। क्यों करते हैं मुनिराज खड़े खड़े भोजन? बैठ के भोजन करने में अधिक भोजन करने में आता है और खड़े खड़े भोजन करने में भोजन कम करने में आता है, क्योंकि खड़े खड़े व्यक्ति थक जाता है और जब थक जाता है तो अधिक भोजन नहीं कर पाता, और बैठे बैठे अधिक भोजन भी हो जाए
तो व्यक्ति को पता नहीं चलता। उसी प्रकार मुनिराज खड़े खड़े इसलिए भोजन करते हैं क्योंकि जब तक खड़े रहने की शक्ति है तब तक ही मैं आहार ग्रहण करूँगा। जब मेरे में खड़े रहने की शक्ति नहीं होगी तब मैं समाधि धारण कर लूँगा। इस कारण से भी मुनिराज खड़े खड़े भोजन ग्रहण करते हैं। मुनिराज वास्तव में गृहस्थ के घर जाते हैं तो एक प्रकार से वो जैसे कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो एकदम चौकन्ना रहता है, उसी प्रकार मुनिराज जब गृहस्थ के घर जाते हैं तो अत्यंत चौकन्ने रहते हैं। चौकन्ने अर्थात किसी प्रकार से कोई रागादि भाव की कलिमा प्रवेश न कर जाए, किसी प्रकार से गृहस्थ का संसर्ग होने पर उसके जो दोष है वो उनमें न आने पाए, इस बात के लिए वे अत्यंत सतर्क रहते हैं। और यही कारण है कि मुनिराज को इतनी फुर्सत नहीं होती कि वे उसके घर बैठकर आराम से भोजन करें। वे तो तत्काल आए हैं और खड़े खड़े भोजन लेके और खड़े खड़े ही चले जाते हैं। और यहाँ तक कि खड़े खड़े भी जो भोजन लेते हैं तो अपने पानी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। यदि किसी बर्तन में आहार ग्रहण करेंगे तो बर्तन में व्यक्ति मनुहार करके ज़्यादा परोस सकता है, और यदि अंतराय आदि हो गया तो वह सारा भोजन फेंकने में जाएगा। जब वह भोजन फेंकने में जाएगा तो उस भोजन के निमित्त से असंख्यात त्रस्त जीवों की हिंसा होगी। इसलिए मुनिराज अपने पाणी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। पाणी पात्र में यदि अंतराय भी हो जाएगा तो उतने ही आहार लेने में आएगा जितना कि पाणी पात्र में रखा हुआ है। थाली में अधिक आहार परोसा जा सकता है लेकिन पाणी पात्र में एक हाथ में जितना आहार आ सकता है उतना ही आहार लिया जा सकता है। साथ ही हाथ एकदम शुद्ध होता है। बर्तन में किसी प्रकार की अशुद्धता संभव है लेकिन पानी हाथ एकदम शुद्ध है। और मुनिराज यदि बर्तन अपने पास में रखेंगे तो उस बर्तन को धोना पड़ेगा। जब मुनिराज उस बर्तन को धोएंगे तो अपने आत्मा में लगे हुए कर्ममल को कब धोएंगे? उसी प्रकार मुनिराज यदि बर्तन को धोएंगे तो उसे सुखाना भी पड़ेगा, और सुखाने के समय उसकी चोरों से रक्षा करनी पड़ेगी। तो मुनिराज अपने ज्ञान ध्यान को छोड़कर उन बर्तनों की सुरक्षा में और बर्तनों की सावधानी में ही अपने सारे समय को लगा देंगे। यही कारण है कि मुनिराज अपने पास में किसी प्रकार का कोई बर्तन नहीं रखते, उनके हाथ ही उनका बर्तन होता है। वे अपने हाथों में जितना आहार होता है उतना ग्रहण करते हैं और बाकी उसी समय छोड़ देते हैं। अर्थात वे अपने आहार में जितना हाथ में जितना आहार आएगा उतना ही ग्रहण करेंगे। यदि थाली होगी तो अधिक आहार ग्रहण करने में आ सकता है। साथ ही मुनिराज की ये जो वृत्ति होती है हाथों में भोजन करने की, वो उनकी अपरिग्रह वृत्ति को बतलाती है। मुनिराज आहार करते समय तीन स्थानों को देखते हैं, जिस स्थान पर खड़े होते हैं उस स्थान पर, जिस स्थान पर भोजन गिरता है वहाँ, और जो भोजन परोसने का स्थान है अर्थात भोजन रखने का स्थान है उस स्थान को भी देखते हैं। इन तीन स्थानों को भली भांति देख कर मुनिराज आहार को ग्रहण करते हैं। यह मुनिराज का एक समय और एक स्थान पर खड़े रहने रूप दो प्रकार के मूल गुण हैं। एक मूल गुण है एक दिन में एक बार भोजन लेना, एक बार दिन में ले आहार, वो खड़े खड़े अल्प अर्थात खड़े खड़े लेते हैं और अल्प लेते हैं, और निज पान में अर्थात अपने हाथों में ग्रहण करते हैं, अपने हाथों में अंजलि बनाकर उसी आहार को ग्रहण करते हैं। वे मुनिराज अपने पास में किसी प्रकार का बर्तन आदि परिग्रह नहीं रखते। अंतिम मूलगुण का नाम है कैशलोच मूलगुण। कच लोच करत न डरत, मुनिराज कैशलोच करते हुए डरते नहीं है। मुनिराज अपने बालों को किसी नाई से अथवा किसी उस्त्रे से नहीं काटते। मुनिराज अपने बालों को अपने हाथों से उपार्जित कर लेते हैं, अर्थात अपने हाथों से ही अपने बालों को साफ कर लेते हैं। मुनिराज अपने हाथों से ही अपने बालों को क्यों उखाड़ते हैं? यदि कैंची से उखाड़े, कैंची से यदि बालों को काटे तो उसमें क्या दोष है? तो यदि मुनिराज कैंची रखेंगे तो उनको कैंची का परिग्रह हो जाएगा, उस कैंची की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कोई कह सकता है कि वे स्वयं कैंची नहीं रखे लेकिन यदि कोई नाई उनके यदि बाल बनाने आ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तो यदि वे नाई के सामने बाल बनाएंगे तो नाई के सामने झुकना पड़ेगा, और मुनिराज तीन लोक के नाथ होते हैं, वे किसी के सामने झुकते नहीं। साथ में यदि किसी को हमने कहा कि हमारे बाल बना दो और यदि उसने मना कर दिया तो उससे तिरस्कार आदि भी संभव है। तो मुनिराज इसलिए इन सब दोषों से बचने के लिए अपने स्वयं के हाथों से कैशलोच करते हैं। इससे वास्तव में मुनिराज की वीतराग परिणति का भी हमें दर्शन होता है,
और मुनिराज की शरीर के प्रति निर्ममत्व भावना का परिचय मिलता है। मुनिराज कितने महीने में केशलोच करते हैं तो उसका शास्त्र में विधान आया है कि उत्कृष्ट पने 2 महीने में, मध्यम पने 3 महीने में और जघन्य मने 4 महीने में मुनिराज अपने शरीर के अपने माथे के बालों को अवश्य साफ कर लेते हैं। यदि इससे अधिक वे बालों को रखेंगे तो उन बालों में संमूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उन संमूर्छन जीवों की हिंसा का दोष लगता है। यही कारण है कि मुनिराज 4 महीने से अधिक अपने बालों को नहीं रखते। 4 महीने के अंदर अंदर वे अपने बालों का निश्चित रूप से लोच अर्थात बालों को अपने हाथों से उखाड़ देते हैं। यद्यपि गृहस्थ शावक को यह कार्य अत्यंत कठिन लगता है लेकिन मुनिराज अपने शरीर के प्रति इतने निर्ममत होते हैं कि वे बिना किसी कष्ट के इस कार्य को सहज ही कर लेते हैं। आज भी हम देखते हैं अनेकों मुनिराज इस कार्य को अत्यंत आनंद के साथ संपन्न करते हैं। यह मुनिराज का एक अद्भुत और अन्य लोगों को आश्चर्यकारी लगने वाला एक मूल गुण है। केश लोच, केशों का लुंचन करना ताकि किसी प्रकार से उसमें जीवों की हिंसा ना हो। बालों को बड़ा रखने में वास्तव में सौंदर्य का भी एक कारण बनता है। मुनिराज इसीलिए भी बालों को बड़ा नहीं रखते, वे बालों को अपने हाथों से उपार्जित कर लेते हैं और अपने हाथों को कभी भी बालों का श्रृंगार आदि करने के लिए उपयोग में नहीं लाते। यह मुनिराज का केशलोच नाम का एक मूल गुण है। और क्या क्या मुनिराज के मूल गुण हैं इन सबको हम अत्यंत विस्तार अथवा संक्षेप के अंदर एक बार पुनः चर्चा करेंगे एक अल्प विराम के बाद। जय जिनेन्द्र छैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम मुनिराज के मूल गुणों की चर्चा कर रहे थे। केशलोच मुनिराज का एक मूल गुण है। मुनिराज केशलोच इसलिए करते हैं क्योंकि यदि केश अधिक समय तक रहेंगे तो उन केशों में जो संमूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी उसकी हिंसा का दोष लगेगा। मुनिराज अपने सिर के और दाढ़ी के केशों का लुंचन करते हैं, हाथों से अपने सिर और दाढ़ी के केशों को उपाड़ देते हैं और यह मुनिराज का एक मूल गुण कहा गया है। इस प्रकार से हमने 28 मूल गुणों की चर्चा अब तक की। एक बार पुनः उन 28 मूल गुणों को दोहरा लेते हैं। प्रथम है 5 प्रकार के महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। इसके बाद है 5 समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति एवं विसर्ग समिति। 5 समिति के बाद नाम है 5 इंद्रिय जय के, स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय और कर्ण इंद्रिय जय। 5 इंद्रिय जय के बाद 6 आवश्यक हैं, समता, स्तवन, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान अथवा स्वाध्याय। इसके बाद में शास शेष मूलगुण कहे उनमें कहा स्नान, अदंत धोवन, दिन के रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ शयन एकाशन, एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना और केशलोच करना और किसी प्रकार से कोई परिग्रह नहीं रहना अर्थात नग्नता। ये 7 शेष अन्य मुनिराज के मूल गुण कहे। इस प्रकार से अब तक हमने 28 मूल गुणों की चर्चा की। ये मुनिराज के 28 मूल गुण मुनिराज के बाह्य जीवन को बताते हैं। मुनिराज का जीवन ऐसा होता है कि उनके जीवन में सहज इन 28 मूल गुणों का पालन होता है। जैन मुनिराज इन 28 के 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे किसी मूल गुणों में कोई कमी नहीं आने देते। अब हम आगे वर्णन करेंगे और मुनिराज की कैसी अंतरंग परिणति होती है। आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में, अरि मित्र महल मशान कंचन कांचनिंदन थुति करन अर घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। अरि अर्थात शत्रु, मित्र अर्थात मित्र, जो हमारे शरीर को इष्ट लगे वो है मित्र, जो हमारे शरीर के लिए अनिष्टकारी हो वो है शत्रु। तो शत्रु में और मित्र में, महल में और शमशान में,
अरि मित्र महल मशान, कंचन कांच अर्थात सोने में और कांच में, निंदन स्तुतिकरण निंदा करने वाले में और स्तुति करने वाले में, अर्घावतारण अर्थात अर्घ उतारने वाले में और असि प्रहारण असि अर्थात तलवार तलवार से प्रहार करने वाले में, मैं सदा समता धरण मुनिराज उन दोनों के प्रति समता भाव रखते हैं अर्थात न वे तलवार मारने वाले के प्रति द्वेष करते हैं न अर्घ उतारने वाले के प्रति राग करते हैं। मुनिराज की इस अद्भुत वीतराग वृत्ति का दर्शन हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है। यशोधर मुनिराज की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, श्रेणिक राजा ने जब उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला तो भी उन मुनिराज को किसी प्रकार का श्रेणिक के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ, और उसी श्रेणिक ने जब बाद में मुनिराज के गले से मरा हुआ सर्प हटाया और अपनी आत्मनिंदा की तो राजा श्रेणिक के साथ चेलना को मुनिराज ने एक जैसा आशीर्वाद दिया। राजा श्रेणिक अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ कि चेलना रानी ने तो इतना उपसर्ग आदि दूर किया, मुनिराज की भक्ति की, उसको तो आशीर्वाद देना उचित है, लेकिन जैसा आशीर्वाद उसको दिया है ठीक वैसा का आशीर्वाद मेरे लिए भी दिया है। अर्थात इनकी दृष्टि में राजा इनकी दृष्टि में चेलना और मैं एक समान है, न इन्हें चेलना के प्रति राग है न मेरे प्रति किसी प्रकार का द्वेष है। जब राजा श्रेणिक ने देखा तो उनके प्रति भक्ति से नतमस्तक हो गया, यहाँ तक कि उसको इतना प्रायश्चित हुआ कि उसने अपनी गर्दन तलवार से अलग करने की सोची, लेकिन मुनिराज मन पर यह ज्ञानी थे, उन्होंने तत्काल कहा कि हे राजन ये विचार योग्य नहीं है। तो इस प्रकार की वृत्ति हम पुराणों में देखते हैं कि मुनिराज चाहे कोई तलवार से मारे चाहे कोई उनका अर्घ उतारे, मुनिराज तो दोनों के प्रति समान वृत्ति रखते हैं, दोनों को एक जीव के रूप में देखते हैं, अर्थात दोनों को वे एक समान जीव आत्मा के रूप में ही देखते हैं। किसी से राग करना किसी से द्वेष करना ये तो सामान्य मनुष्यों की वृत्ति होती है। सामान्य मनुष्य अपनी प्रशंसा करने वालों को अपने पास बिठाते हैं और जो उनकी निंदा करते हैं वे उन्हें दूर करते हैं, लेकिन ऐसी वृत्ति मुनिराज की नहीं होती। मुनिराज तो साम्य धन के धनी होते हैं, समता भाव के धनी होते हैं, इसलिए मुनिराज को किसी इष्ट से राग नहीं होता और कोई उन्हें अनिष्ट नहीं लगता। वास्तव में इष्ट अनिष्ट लगना ये राग द्वेष की वृत्ति है। यदि हमें इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसके प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है, लेकिन मुनिराज को न कोई इष्ट लगता है न कोई अनिष्ट लगता है। सांसारिक जीवों को इष्ट अनिष्ट लगता है लेकिन मुनिराज सांसारिक वृत्तियों से परे होते हैं, यही कारण है कि उन्हें किसी इष्ट से राग नहीं होता, उन्हें कोई पुरुष विशेष प्रिय नहीं होता, उनके लिए सब जीव समान होते हैं। वे किसी आदमी को अधिक बढ़ावा देवे और किसी को कम बढ़ावा देवे, किसी से पक्षपात करे, किसी आदमी को आगे बुलावे, किसी का सम्मान करे, ये सब वृत्तियाँ मुनिराज की नहीं होती, क्योंकि मुनिराज सब प्राणी मात्र को समान दृष्टि से देखते हैं। वे निर्धन को और धनिक को एक जैसा देखते हैं, वे धनिक में अधिक सम्मान धनिक से अधिक प्रेम और निर्धन को दूर दूर रखने रूप इस प्रकार की वृत्ति उनकी नहीं होती, क्योंकि ये वृत्तियाँ सामान्य पुरुषों की होती है और मुनिराज सामान्य पुरुष नहीं होते, मुनिराज तीन लोक के नाथ होते हैं, उनकी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। यही कारण है कि उन्हें प्रत्येक जीवात्मा समान दिखती है और इसी कारण वे किसी में राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं करते। सामान्य जीव धनिकों से राग करता है और अल्पधनवानों से अर्थात निर्धनों से उसकी दूर की वृत्ति होती है, अर्थात निर्धनों में प्रेम नहीं होता। उसी प्रकार जो बड़े बड़े पदों के धारी होते हैं सामान्य पुरुष का उनमें राग होता है, लेकिन मुनिराज न शत्रु से न मित्र से न महल में न शमशान में न सोने में न कांच में न निंदा करने वाले में न स्तुति करने वाले में न प्रशंसा करने वाले में न तलवार मारने वाले किसी में राग द्वेष नहीं करते, वे तो मात्र अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। ऐसा ये मुनिराज की समता भाव अद्भुत और अन्य जीवों के लिए अत्यंत आश्चर्यकारी होती है, और जब मुनिराज ऐसी समता भाव में रहते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु भी उनके चरणों में स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने मुनिराज की जो अंतरंग साम्य परिणति है उसके दर्शन किए। हम आगे चर्चा करेंगे और मुनिराज की अंतरंग परिणति कैसी होती है। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल, जय जिनेंद्र। पाठशाला सार मुनिराज केश लॉन्च करते हैं
परिशह जयी होते हैं एवं निजात ध्यान में तत्पर रहते हैं। वे शत्रु मित्र महल शमशान आदि में साम्य भाव रखते हैं। हमें भी सदा उन जैसा बनने की सतत भावना करनी चाहिए।